हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया हूं एक मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा चैंपियंस लीग फुटबॉल का, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस गाइस पीएसजी के बीच मैच होने वाला है 1 घंटे 48 मिनट के बाद। टॉप का मैच है भाई, दोनों टीम्स आमने सामने एक से बढ़कर एक, जिसका मैं फ़ैन हूँ, डाई हर्ट फैन जिसको बोलता हूँ भाई, मैनचेस्टर सिटी का बहुत तगड़ा फैन हूँ। पीएसजी टीम भी अच्छी लगती है, लेकिन फैन फॉलोइंग की बात रही तो मैनचेस्टर सिटी का बहुत ही अच्छा फैन हूँ गाइस। इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद ओपन मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम। तो लास्ट तक वेट करना, आखिरी के 5-6 मिनट के अंदर टीम पोस्ट में कर दूंगा आपको ओपन। बस यार, क्रेडिट इशू है, एक बहुत बड़ा प्लेयर मुझे छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं है। अगर ड्रीम इलेवन में खेलोगे तो मेरी टीम लगाना, और अगर किसी अनदर ऐप में खेलोगे जहाँ पे क्रेडिट इशू नहीं होता तो वहाँ पे मेरी टीम मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे मेरी टीम थोड़ी क्रेडिट इशू टाइप से बनी है। तो बात करते हैं इस मैच की, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस गाइस पीएसजी। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैच। तो गोलकीपर की बात करूँ तो के नेवस को यहाँ से लेने वाला हूँ। केलोर नेवस ने आज, अगर मैं आपको सही से बात बताऊँ तो पिछले मैच के अंदर मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ ज़बरदस्त गोलकीपिंग कर रही थी, लेकिन अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो ओपोनेंट टीम भी तगड़ी और ये खुद भी तगड़े, दोनों की डिफेंडिंग एक से बढ़कर एक, तो ज़्यादा गोल्स तो नहीं कर पाए। मतलब ओपोनेंट टीम ने सिर्फ 2 गोल किए, और जिसमें कि सबसे बड़ी बात ये थी कि पेनल्टी टेकर जिंदा है मैनचेस्टर सिटी का, टॉप का जिंदा, इन द सेंस अभी उसके अंदर इतनी पेनल्टीज मारने की पावर है कि अगर ये गोलकीपर चाहकर भी ना रोक सके। आगे से बात करूँगा इस डिफेंडर की, तो जे स्टोन्स, यहाँ से मैं जे स्टोन्स को ले सकता हूँ या फिर जे कैंसेलो। बट अगर मैं अपने अंदर, मैं ना काफ़ी सोच रहा था, मैं क्रेडिट बचाने के लिए पहले वॉल्कर के साथ जा रहा, लेकिन क्रेडिट बच गया तो मैंने कहा स्टोन्स के साथ जाऊंगा। जे कैंसेलो को लेना लेनो, बट फॉर्म की बात की जाए देन स्टोन्स इज मोर बेटर देन कैंसेलो। और आगे से बात करूँ मार्को हिनोस की, मार्को हिनोस ने प्रीवियस मैच के अंदर मैनचेस्टर सिटी को गोल लगाया, उससे प्रीवियस मैच में इस बंदे ने बेन मुनिश को गोल लगाया, मतलब एक से बढ़कर एक। इतने बड़े बड़े प्लेयर होने के बावजूद, जैसे कि मपैबे हो गया, न्यूमर हो गया, उसके बावजूद मार्को हिनोस जैसा प्लेयर गोल कर रहा है। आगे से बात करूँ ओ जिनचेको की, तो जिनचेको भाई ये तो लिटरली अमेजिंग है, पिछले मैच के अंदर असिस्ट कर गया बट एज अ सब्स्टिट्यूशन। तो मुझे लगता है कि भगवान करें आज का मैच ये प्लेइंग 11 में खेले, सब्स्टिट्यूशन में मुश्किल आती, लेकिन अगर ये प्लेइंग 11 में होगा तो कोई मुश्किल नहीं। आर डियास की बात करूँ तो रूबन डियास भाई, मतलब लिटरली इट वॉज अमेजिंग प्लेयर, बहुत अच्छा था, बहुत पिछले मैच के अंदर बहुत हेल्प की इस प्लेयर ने। आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, तो यहाँ से लूँगा के डी ब्रून को। के डी ब्रून ने प्रीवियस मैच के अंदर पीएसजी को गोल लगाया था और सबको उम्मीद थी, यहाँ तक कि मुझे भी। अब आर महरस की बात करूँ तो भाई तो पेनल्टी टेकर है, और बड़ी टीम आमने सामने की जिसकी टक्कर और पेनल्टी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है इट्स अ मेन प्लेयर, एस एग्यूरो की गैर हाजिरी में आर महरस पेनल्टी टेकर है, 10 बार बोल चुका हूँ। एडी मारिया की बात करूँ तो एडी मारिया ने प्रीवियस मैच के अंदर शुरुआती असिस्ट की थी, बहुत ज़बरदस्त असिस्ट थी, गोल से ज़बरदस्त तो इसकी बंदे की असिस्ट लगी थी मेरे को गाइस। एंड आगे से बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की, मैं पैपे छोड़ना पड़ गया, बड़ा दुखी हूँ यार, मैं पैपे को मैं छोड़ना नहीं चाहता, मेरे को पता भी है कितनी अच्छी स्किल्स हैं इसके पास, ये गोल कैसे करता है, और लग भी रहा है कि आज ये गोल करेगा, ये भी मन में फीलिंग आ रही है, लेकिन नहीं ले सकता, ये मजबूरी है, क्योंकि एडी मारिया छोड़ूंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्या कर लूँगा उसका फिर भी मैं, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पर अगर छूटेगा तो सिर्फ आर महरस, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ कि पेनल्टी टेकर निकाल दूँ। तो भाई भगवान का नाम लेकर मैं पैबे को छोड़ता हूँ, देखते हैं क्या करता है। न्यूमर की बात करूँ तो न्यूमर तो पावरफुल है, देखो अगर मैं इन दोनों के बीच कंपैरिजन करूँ तो वैसे कंपैरिजन करना बनता नहीं है, कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी एक को दूसरे से, लेकिन अगर मैं सीधी बात करूँ, ये मेरी मजबूरी है, तो न्यूमर को मैं इसलिए ले रहा हूँ, नामी घामी प्लेयर है, इतने रिकॉर्ड्स हैं, इतनी स्किल्स हैं, बॉल जगलिंग करना जानता है अच्छी तरह, मपैबे भी जानता है, लेकिन अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो बहुत प्लेयर्स आर इन फॉर्म, 60% गोल चांसेस मपैबे के हैं, 40% न्यूमर के, बट मैं पैबे को इसलिए ले रहा हूँ, मैं पैबे को इसलिए नहीं ले रहा बिकॉज ऑफ क्रेडिट इशू। आगे से बात करूँ फॉर्डन की, इनके पास स्ट्राइकर ना होने के कारण रहीम स्टर्लिंग वो छुट्टियों पे, इन द सेंस छुट्टियों पे नहीं, मतलब खेल नहीं रहा, और एस एग्यूरो को भी नहीं खिलवा रहे, जी जीसस को भी ये कई बार नहीं खिलवाते। तो मैं सीधी सीधी बात करूँ तो पिछले मैच के अंदर प्रीमियर लीग के अंदर इन्होंने तीनों को मौका दिया था, तीनों प्लेयर्स को, तो ये बहुत मैनचेस्टर सिटी का मैनेजमेंट वाले हैं ना, बहुत सेटलमेंट से खेलते हैं। तो बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन ने कहा के डी ब्रून एंड वाइस कैप्टन न्यूमर। देखो न्यूमर को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है गाइस। तो ये मेरी टीम, एक प्लेयर रह गया था जिसका नाम है एम वैरथी, इसके बारे में मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, एक्चुअली अभी श्योर नहीं है मैं इसको लूँगा कि नहीं। वैरायटी का देखो खेलता अच्छा है, चांस क्रिएटर है अपनी टीम का, गोल का चांस नहीं है, असिस्ट का थोड़ा बहुत चांस है गाइस। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।